आप भी बुक करते हैं ओला की गाड़ी तो ऐसे ड्राइवरों से हो जाइए सावधान। खासकर महिलाओं को रहना होगा सतर्क। लोगों के लिए सबक बनी कर्नाटक की इस महिला ग्राहक की कहानी। ओला बुक करके कैंसिल करना, महिला को पड़ा भारी। सफर के अंत तक महिला का पीछा करता रहा ड्राइवर। पास पहुंचते ही कि ऐसा घटिया काम की खोल उठेगा आपका खून। ड्राइवर के इस चौंका देने वाले कारनामे पर जनता हुई कंपनी पर नाराज। एडीजी ने दिया और ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही के आदेश। वीडियो में ध्यान से समझे पूरी बात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में छेड़छाड़ का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने जब ऐप के जरिए बुक की गई ऑटो की राइड को कैंसिल कर दिया तो आरोपी ऑटो ड्राइवर ने पहले उसे छेड़छाड़ की और फिर महिला के साथ मारपीट कर उसे थप्पड़ मारा और भाग गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया है कि बुधवार को उसके और उसकी दोस्त ने ओला ऐप के जरिए पिकावर में दो ऑटो बुक किए। इसमें से एक दोस्त का ऑटो पहले आ गया, जिसके बाद महिला ने अपना ऑटो कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। तो क्या है पूरी खबर, आपको जरूर बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपको बता दे कि राइड कैंसिल पर गुस्सा आया ऑटो चालक ने उस महिला का पीछा किया। स्थिति समझाने के बावजूद ऑटो वाले ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मारपीट के साथ ही महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। महिला ने कहा कि ऑटो वाले ने आकर उससे कहा कि क्या ऑटो उसके बाप की है। इसके अलावा भी उसने महिला के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब पीड़िता इस घटना का वीडियो बनाने लगी तो आरोपी ऑटो चालक ने उसे धमकी देते हुए मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। महिला ने कहा कि इसका विरोध करने पर ऑटो ड्राइवर ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर चप्पलों से भी हमला किया। महिला ने बताया कि इस दौरान आसपास के लोग बस खड़े होकर चुपचाप तमाशा देखते रहे। पीड़िता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना का जिक्र करते हुए इसे बेहद डरावना बताया। महिला ने इसके साथ ही ऑनलाइन टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनी को भी टैग किया और कार्यवाही की मांग की है। कंपनी की तरफ से उन्हें जवाब देते हुए कहा गया है कि ये चिंताजनक है और वो घटना की जांच करेंगे। वही सोशल मीडिया पर पीड़िता के साथ हुई घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शहर के अपर पुलिस महानिदेशक यातायात सड़क सुरक्षा आलोक कुमार ने महिला को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। घटना का वीडियो महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। महिला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एडीजीपी ने कहा है, ऐसा व्यवहार अस्वीकार है। उनके जैसे कुछ लोग ऑटो चालक समुदाय को खराब नाम देते हैं। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आज के समय में ऑनलाइन ऑटो बुक करना और अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच जाना बिल्कुल आम बात हो गई है, लेकिन ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनियां या उनके साथ जुड़कर काम करने वाले लोग कई बार ऐसी घटिया हरकतें कर देते हैं जिससे लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। चाहे कम दूरी के लिए ज्यादा पैसे वसूलना हो या समय पर पिकअप की बजाय कहां जाना है पूछकर खुद से बुकिंग कैंसिल कर देना हो या फिर बुकिंग के समय किराया कुछ और ड्रॉप के समय किराया कुछ और वसूलना हो। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन सबसे अलग है और ऐसी गलती या लापरवाही को माफ करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, खासकर तब जब ये घटिया हरकत एक महिला के साथ हुई हो। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आप भी कभी ऐसी घटना के शिकार हुए हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।